हाँ भैया, कहां से आए? अपना नाम हनुमान जी को बताएं और अपनी समस्या बताइए। आप बताइए, इनको दीजिए, कर रहे बोलिए। थोड़ा पास में रख के आओ जिससे पढ़ सके। और सर क्या आइए आगे। हाँ बोलिए। अखिलेश कुमार सोनी डिंडोरी मध्य प्रदेश से आया हूँ। अपनी पत्नी, भैया सुनिए अच्छे से, अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग के विषय में जानकारी लेने आया हूँ। ये कौन है आपकी? मेरी धर्म पत्नी है, 13 साल हमारी शादी की हो गए, लव मैरिज है हमारी, समथिंग 17 साल से हम लोगों के संबंध, शादी के 4-5 साल पहले से हम लोग। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 10 साल का, 4 साल का बेटा है। दो बच्चे हैं, बेटा बेटा है, बेटी बेटा बेटा है, एक अर्थ एक अक्ष, एक अर्थ एक अक्ष, दो बेटे हैं। मतलब एक अर्थ है एक अक्ष कक्ष है। क्या बात, नाम भी विचित्र है, वाह। तो आप क्या चाहते हैं प्रेम प्रसंग में? हम पत्नी यदि गलत है तो सिर्फ जानना चाह रहे हैं, पत्नी को अलग नहीं करेंगे, और चाह रहे हैं गुरुजी की पत्नी सुधर जाए। हम अपना घर नहीं बिगाड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हमें बहुत दुख है, पहले हम गलत थे लेकिन अब 10-11 सालों में हमने इसके लिए बिल्कुल सुधार दिया अपने को गुरुजी, किसी से कोई हमारे अफेयर नहीं। अब आप पहले गलत थे आप? मैं बिल्कुल गलत था गुरुजी। पहले आपका किससे लव था? था किसी से गुरुजी? आप अंतर्यामी हैं, नहीं आप नहीं बताओगे तो मैं कैसे उनका बता दूंगा? आप अपना तो बताओ, या तो आप अपना नहीं बताते, बताओ ना। सभी नाम की एक लड़की थी, सही बोले? पहले मैं गलत था, बोला था। लेकिन 10-11 साल से मैं पक्का बिल्कुल सही हूं। तो हमने लिखा, सुनिए, सत्य सुनोगे या झूठ? बिल्कुल सत्य सुनना चाह रहा हूँ गुरु जी। हमने लिखा, पढ़िए आप, नहीं आप पढ़िए, दो लोग पढ़ो, नहीं हम तो ऐसे पढ़ो, हमें क्या दिक्कत, हम तो ऐसे दिखाई दम रखा थे। पढ़िए यहाँ पे, थोड़ा सा रख के आगे आओ। भैया ये कूलर की आवाज कहां से आ रही है? ये बंद कराओ भैया वहां से, थोड़ा सा हमको जो वाइब्रेशन नहीं मिल रहा है। रुकिए थोड़ा, रुकिए, क्योंकि हमें ठंडक नहीं मिलना चाहिए। बंद रखो उसको। हाँ भैया साइड में बंद कर देना, कहां से आ रही है भैया? बंद हो गई हो। हाँ सुनिए, हमें लिखा, आकांक्षा सोनी, पिता का नाम चंद्रशेखर जी सोनी है, आपकी संतान का नाम अक्ष और अर्थ है। कहां लिखा है? माइक से बताइए। लिखा हुआ है गुरु जी, अक्ष एवं अर्थ है, अक्ष एवं अर्थ लिखा हुआ। ऊपर से कौन से नंबर की लाइन में लिखा है? चौथी लाइन पे लिखा हुआ है, चौथी लाइन पे लिखा हुआ है ऊपर से। आकांक्षा सोनी, पिता नाम चंद्रशेखर जी सोनी है, आपकी संतान का नाम अक्ष एवं अर्थ है, आपका पति का डाउट है कि मेरी संतान नहीं है, बोले है ना? माइक इन्हें दो, माइक माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। मेरे पति ने ये शब्द भी मुझसे बोले। भाई साहब ये माइक तेजी से बढ़ा दी, थोड़ा इसको बढ़ाइए, माइक बढ़ाइए इसको, एक बार हमारा कम कर दो। मैं भिंड जिले का हूं, मैं बगैर माइक के इतना बोल सकता हूं कि यहां से टेंट के बाहर आवाज जाएगी, लेकिन इनकी बढ़ा दो भैया। हाँ बोलिए। मेरे पति ने इस चीज के लिए भी मेरे ऊपर संदेह किया, क्या कि मेरे ये बच्चे हैं कि नहीं। अच्छा चलिए, प्रमाण देता हूं, चलिए। अक्ष एवं अर्थ, आपके पति का डाउट है कि मेरी संतान नहीं है, और आपने स्वयं पूछा, झूठा डाउट डाला है, क्योंकि पति को दिलीप छारिया एवं दिल्लू और भितेंद्र उप छोटू पर गलत आरोप लगा रहे हैं। आपने चरित्र को सुधारने के लिए, पति को सद्बुद्धि देने के लिए, आपने खुद ही पति को भ्रम डाला है कि मेरा संबंध तुम्हारा है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है, पर आपकी पत्नी पूर्ण पवित्र है, चरित्रहीन नहीं है। बोलो पंडोगढ़ सरकार की। आपकी पत्नी पूर्णता सही है, लेकिन आपको जो सविता प्रेम, आप गलत हैं, लेकिन आपकी पत्नी गलत नहीं है, लेकिन पत्नी का मास्टर माइंड के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। उसने ये कहा, पत्नी नहीं तुमसे कहा कि तुम रख सकते हो, हम क्यों नहीं रख सकते। चलो ठीक है, संबंध से दोस्ती रखने से कौन सा करेक्टर खराब हो जाता है, इसलिए तुम भ्रम में चले गए और आपको साइकोलॉजिकल दबाव हो गया है। माइक से बोलो हाँ या ना। जी गुरु जी। और आपकी पत्नी ने खुद ही आपसे कहा है कि तुम रख सकते तो मैं क्यों नहीं रख सकती जी। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही गुरु जी। क्या कहा पत्नी ने आपकी? हाँ यही कहा कि तुम मर्द हो तुम कर सकते हो, हम क्यों नहीं कर सकते, औरत है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। ताली तो बजाइए। आज दरबार लास्ट दिन है तो लास्ट दिन का शॉट देखिए आप। और साथ ही मैंने एक पर्चा और भी लिखा है, आज पर्चे नहीं छोड़ूंगा अंतिम तक,
क्योंकि ये पंडोकर सरकार के दरबार, पहले तो ये दरबार स्क्रीन शॉट पर देखिए कि हमने पर्चे में क्या लिखा है। स्क्रीन आप लोग पढ़ पा रहे हैं? स्क्रीन पर, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भैया, एक एक लैंड मिलेगी। हमने दूसरी पर्ची में क्या लिखा वो सुनिए आप। हमने लिखा है अखिलेश कुमार सोनी, पिता का नाम राजू सोनी, आपकी मां का नाम शांति देवी, एक वर्ष पूर्व मृत्यु हुई है, स्त्री का नाम आकांक्षा सोनी, उसके पिता का नाम चंद्रशेखर सोनी, मां का नाम मानती सोनी, भाई का नाम चाहत आजाद सोनी, बहन आकांक्षा, पति अखिलेश भूमिका रोहित सोनी आदि भवन आदि हितेंद्र आदि में जो आरोप लगाया जा रहा है यह पूर्णतः गलत है। परंतु जैसे आप इन पर नकली का आरोप लगा रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं आप भी नकली हैं और ये असली है, क्योंकि तुम्हारा चक्कर था इनका नहीं है। शादी के पहले किसी से बात होती वो अलग बात है, लेकिन करेक्टर लेस नहीं है। और नकली होने का प्रमाण एक और है, आपकी जेब में हाथ डालिए, आपकी जेब में 2000 का नोट है और चूरन वाला है, नकली नोट है। आपकी जेब में चूरन वाला नकली नोट है, 2000 का नोट है। यदि ये निकले सही तो मान लेना। दिखाओ, वहां दिखाओ, हाथ उठाकर दिखाओ। बोलो पंडोगा सरकार की। ये चूरन वाला है, बोलो हाँ है ना जी गुरुजी, बहुत दिन से रखा हुआ है। जी गुरुजी, बहुत दिन से रखा हुआ। तो नकली नकली रखेगा, असली कहां से रखेगा? ताली बजाइए ना, ऐसे जलोश, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोगा सरकार की जय। जाओ हनुमान जी कृपा करेंगे और अच्छे से रहो, तुम्हारी पवित्रता का दाग धुल गया। आप करेक्टरलेस के ऊपर जो आरोप लगाया ये गलत है, 100% आप पवित्र हैं और आप भी अपवित्र हो जाइए और नकली नोट रखना छोड़ दो। ये मंत्र लिख के दे रहे हैं, इसको करना है। बैठ जाइए। वैसे तो ग्राम आप डिंडोरी के रहने वाले हो, मकान नंबर 70 है, बोलो हाँ है ना, माइक से बोलो। जी गुरुजी। क्या आप आपका आप आधार रखते हैं? आधार बनवाया? आधार आधार है जी। बनवाया है जी, आधार का है आपके पास? जी पर्स में। आपका आधार का नंबर 36 36 17 43 0 216 है जी, बिल्कुल परफेक्ट। क्या आपके पास है? करेक्ट है। दिखाइए भाई, किसी भी गजट करने के लिए, एक व्यक्ति को बचाने के लिए 50 तरीके से बताना पड़ता है, तब दाग धुलता है। चलिए दिखाइए, नहीं ले आए कोई बात नहीं, रखा है, दिखाओ वहां पे जिसमें 0216 लास्ट में होना चाहिए। स्क्रीन छत्तीस छत्तीस सत्रह तैतालीस 0216। धन्यवाद, चलिए भागो। धन्यवाद। बोलिए सी पंडोकर सरकार की, सद गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पास में आओ। हाँ दादा बोलो, क्या पूछना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बाहर जॉब करता है, पास में आया। क्या नाम बच्चे का? मनीष बोल रहा हूँ मैं। जाति? गोस्वामी। आपने किसी को बताया तो नहीं है? नहीं। मनीष कुमार गोस्वामी आपके पास आकर रहेगा, बाहर जॉब करता है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ये पर्ची मैंने तत्काल लिखी क्योंकि आदेश आया कि मैं कुछ पर्चियां तत्काल लिखूं, क्योंकि पट्टी पे चलाया गया कि गुरुजी भक्त लोग कह रहे हैं कुछ पर्चियां लाइव में तो लिखे। हम निकाल लिख देते हैं। लीजिए दादा, आप ये मंत्र करिएगा, ठीक है जी। ओम क्लीम फट गुरु गुरु स्वाहा, तीन रामायण, तीन दिन का हवन, तीन नारे बंधन करना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है।
ये जो मंत्र होता है पर्ची पे पीछे लिख के दिया जाता है, वो मंत्र हर किसी को नकल नहीं करना है, ठीक है। और आपका मनीष गोस्वामी आपके साथ रहेगा, परिवार को सुख पहुंचाएगा, आपको सुख शांति देगा, आशीर्वाद है। समझ में आ रहा, पढ़ पा रहे स्क्रीन पर? आप लोग पढ़ पा रहे हो ना? पढ़ पा रहे तो हाथ उठा के बोलिए जय जय श्री राम। हमें लगता है कि प्रोजेक्टर का मुख आप तरफ नहीं है ना, लीजिएगा। हाँ आना है, बिल्कुल आना है।